सो so, जब हम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं हम कहते हैं कि तकरीबन बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं कई जगह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कुछ उससे कम एंड दैन सम मेटल्स आर नॉट रिएक्टिव इट ऑल अब इसमें अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है कि क्या मेटल्स सिर्फ तभी रिएक्ट करते हैं जब हमका रिएक्शन करवाना चाहते हैं या वो हर वक्त अनइंटेंशली अनकंट्रोलेबली भी साथ साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं सो दैट्स व टूडेज लेक्चर अबाउट कि यस मेटल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली रिएक्शन कर रहे होते हैं बेशक हम चाहें ना चाहें मेटल्स जो हैं रिएक्शन शो करते हैं स्पेशली वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम ये देख लेते हैं कि हम आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है क्रोजन क्रोजन का जो लफसी मानी होता है वो होता है डैमेज करना डिस्ट्रॉय करना यानी तबाह करना या किसी चीज का नुकसान कर देना अब हम कह रहे हैं कि मेटल्स की क्रोजन किस तरह से होती है मेटल्स की क्रोजन इस तरह से होती है कि जब मेटल्स जो है अपनी इर्गिर्द की सराउंडिंग्स में एयर एसिड्स वाटर्स के साथ रिएक्ट करते रहते हैं तो उनको क्या होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं पहले उनके ऊपर से उनकी शाइन ख़त्म होती है फिर इवेंचुअली वो पूरे के पूरे जो हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं जो जंग लगने का कॉन्सेप्ट अक्सर सुनते हैं वो यहीं से आया है क्यों क्योंकि जब लोहा या कोई भी मेटल जो है वो पड़ा रहता है तो वो रिएक्ट करता रहता है एयर के साथ रिएक्ट करेगा पानी के साथ रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो जो है बिल्कुल डिके कर जाएगा खराब हो जाएगा तो इस वजह से क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है अब आप खुद सोचें इतनी मेहनत से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है उनको प्योरिफाई किया गया है उनके ऊपर इतने सारे प्रोसेस किए गए हैं ताकि उनको इस्तेमाल कर सकें और फिर वो खराब हो जाए तो लोग ऐसा नहीं चाहते और इस वजह से वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्रोजन से तो जब भी कहीं पर मेटल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या करते जाते हैं फिर प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो क्रोध ना करे सो तो आज हमने समझना है कि क्रोजन क्या है और उससे मेटल्स को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं तो आए लेट्स बिगेन क्रोजन तो तकरीबन सारे ही मेटल्स क्रोड करते हैं जब कोई भी केमिकल उनकी सर्फेस पे अटैक करे ये केमिकल जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है इट कैन बी एन एसिड इट कैन बी एयर सेल्फ इट कैन बी वाटर तो जब भी वो उसकी मेटल की सर्फेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा मेटल करोड कर जाएगा ऑल अब ऑल मेटल्स करते तो हैं करोड लेकिन कुछ जो हैं बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे करते हैं बहुत तेजी से करते हैं और वो कौन से मेटल्स होंगे वो होंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे यानी वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आते हैं जैसे कि सोडियम हो गया पोटासियम हो गया मैग्नीशियम हो गया वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से करोड करेंगे वे एज जो मेटल्स बहुत नीचे आते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया कॉपर हो गया ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता कंपेरिटिवली करोड करते हैं तो आगे चल के देखते हैं कि और क्या टेक्निकालिटीज होती हैं इन द करोशन ऑफ मेटल्स अब जब क्रोजन होती है तो होता क्या है मेटल पे क्या असर पड़ता है इस क्रोजन का द मेटल फर्स्ट लूजेज इट्स शाइनी सर्फेस देन इट इज स्लोली ईट एंड अवे एंड वीकेंड ईट इन अवे एंड वीकेंड तो पहले क्या होगा पहले उसकी जो शाइन है जो चमक है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो रिएक्शन करता जा रहा है तो शुरू में पहले उसकी शाइनी सर्फेस खत्म होगी और फिर इवेंचुअली उसके ऊपर वो जो मेटल के ऊपर केमिकल अटैक कर रहा है वो मेटल को खाना शुरू कर देगा और मेटल को कमजोर बना देगा रिएक्टिव मेटल्स क्रोड easily and are expensive to रिप्लेस Example: स्टील ऑफ cars, मेनली आयरन अब वो कह रहे हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत आसानी से करोड करते हैं जैसा कि मैंने आपको भी बताया आयरन सोडियम पोटाशियम ये सब बहुत जल्दी करोड कर सकते हैं एंड दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्टिव होने की वजह से क्योंकि जल्दी करोड करेंगे तो इनको रिप्लेस करना पड़ सकता है और वो रिप्लेसमेंट जो होती है वो बहुत महंगी होती है इसकी एग्जाम्पल अगर हमने गाड़ियाँ जो हैं वो अक्सर स्टील से बनती अब स्टील के अंदर मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है आयरन उसके अंदर जो ज्यादातर चीज शामिल है वो आयरन है तो स्टील का डिके करने का मतलब है कि इसके अंदर का आयरन जो है वो क्रोड कर रहा है और अगर आपकी गाड़ी की जो स्टील है वो खराब हो जाए वो के कर जाए डैमेज हो जाए तो क्या करना पड़ता है उसको बदलना पड़ता है तब्दील करना पड़ता है और उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है तो इस वजह से हमें क्या जरूरत है हमें जरूरत है कि हम उसको करोड़ होने ही ना दें क्योंकि करोड़ अगर हमारा मेटल हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा उसको फिक्स करना उसको रिप्लेस करना तो फिर लोग कौन कौन से तरीके जो हैं उनको अपनाते हैं ताकि वो इस क्रोजन को रोक सकें आए देखें प्रिवेंटिंग करोजन कोटिंग विद पेंट और ग्रीस प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग द मेटल सबसे पहला तरीका है कि चीज को पेंट कर दिया या ग्रीस लगा दी ग्रीस जो है एक तरह का लुब्रिकेंट होता है आपने देखा होगा कि अगर साइकिल की चेन जो है वो अड़ी हो या दरवाजे की कुंडी ठीक से ना लग रही हो तो कहते हैं उसके ऊपर ऑयल लगा दें क्युं? क्यों क्योंकि वो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लूंटली मूव करने में हेल्प कर देते हैं इसी तरह यहाँ पर पेंट और ग्रीस लगाने का क्या मकसद है यहाँ पर पेंट और ग्रीस लगाने का मकसद है कि आप मेटल के ऊपर एक नई लेयर डाल दो तो जो मेटल की लेयर है उसके ऊपर एक और लेयर आ जाए ताकि अगर एयर जो है उसने टच करना भी है तो मेटल को टच ना करे उसकी ऊपर वाली लेयर को टच करे पेंट को तो आप बाद में चेंज कर सकते हो मेटल को चेंज करना जो है वो मुश्किल काम है तो अच्छा है कि आप उसके ऊपर पेंट लगाओ पेंट एयर के साथ रिएक्ट करे अगर पेंट डैमेज हो जाए तो आप दोबारा से पेंट कर दो जो मेटल है जो महंगी चीज है वो आपको रिप्लेस ना करनी पड़े पेंट्स कंटेन लेड और जिंक टू प्रोटेक्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स अंडर पेंट के अंदर क्या चीज है पेंट के अंदर है कम रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया लेड हो गया इससे क्या होता है कि क्योंकि ये मेटल्स कम रिएक्टिव हैं तो एयर के साथ उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करते ये रिएक्ट ही नहीं करते इसलिए डैमेज नहीं होते बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करते हैं और अगर वो रिएक्ट कर भी जाए कई अरसा लगाकर तो हम क्या करेंगे हम उनको रिप्लेस कर देंगे उस पेंट को तब्दील कर देंगे जबकि जो नीचे वाला मेटल है जैसे अगर स्टील है वो बहुत रिएक्टिव है उसके अंदर आयरन है तो हमने उसको नहीं टच होने देना है एयर के साथ हमने कम रिएक्टिव मेटल की एक लेयर लगा दी है ऊपर ताकि अगर इन कॉन्टेक्ट आए भी तो वो कम रिएक्टिव मेटल आए ना कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बहुत एक्सपेंसिव मेटल है वो आए इसको और भी अंडरस्टैंड करें अब सिर्फ पेंट वाली टेक्निक ही इस्तेमाल नहीं होती करोजन को प्रिवेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने केमिस्ट ने कुछ टाइम लगाकर और भी कई टेक्निक्स ऐसी फिगर आउट की हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ये जो पूरा का पूरा करोजन का कांसेप्ट है उसको कुछ हद तक कंप्लीट कर सकते हैं अगर देखें इलेक्ट्रो कैन बी यूज्ड टू कोट ऑब्जेक्ट्स लाइक कैन अब जो एक टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रोलिस के बारे में हमने पढ़ा था कि आप सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हो ताकि जो आपके पास मेटल है वो प्योरिफाई होके आ जाए उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं करंट की मदद से हम क्या करते हैं हम किसी एक लेस रिएक्टिव मेटल को ज्यादा रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोट कर देते हैं उसके ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि जब रिएक्शन हो तो कम रिएक्टिव मेटल जो है वो इन कॉन्टेक्ट आए सराउंडिंग के साथ क्यों क्योंकि जो मेटल कम रिएक्टिव है वो ज्यादा टाइम लेगा और उसका कम नुकसान होगा आगे देखिए टिन इज कोटेड बाय इलेक्ट्रोलिस जो एक मेटल है वो क्या करता है वो इलेक्ट्रोलिस से इसी तरह ऊपर कोट किया जाता है तो जो हमारे अक्सर खाने के कैंस बने हुए होते हैं या फिर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं जो स्टील से बनी हुई होती हैं तो इलेक्ट्रॉलिस की मदद से उसके ऊपर टिन टिन चढ़ा दी जाती है की लेयर उसके ऊपर एक प्लेस कर दी जाती है उससे क्या होता है कि टिन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है तो टिन इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा टिन जो है वो करोड नहीं होगा बहुत आहिस्ता आहिस्ता अगर होगा भी तो बहुत स्लोली करोड करेगा और इस वजह से जो नीचे मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सेफ रहेगा bicycle handlebar taps and kettles are all electroplated with chromium ज्यादातर चीजें जो हैं bicycle के हैंडल्स हो गए आपकी जो टैप्स होती हैं जो घर में आप पानी के लिए इस्तेमाल करते हो वो किस चीज से ऊपर उनकी लेयर है उनके ऊपर है क्रोमियम की लेयर क्रोमियम भी एक मेटल है जो कि बहुत कम रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू दी अदर मेटल्स तो क्रोमियम की लेयर उनके ऊपर क्या करती है क्रोमियम की लेयर जो है उनको प्रोटेक्ट करती है तो नीचे अगर स्टील या आयरन यूज हुई हुई है तो क्या होगा क्रोमियम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा स्टील और आयरन जो है वो सेफ रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर क्रोमियम की लेयर है स्टील डस्टबिन एंड रूफ पैनल्स आर गैल्वनाइज विद मोल्टन जिंक अब एक और टेक्निक की यहां पर बात हुई है विच इज गैल्वेनाइजेशन गैल्वनाइजेशन बेसिकली होती है जब आप जिंक से कवर करते हो किसी स्टील को क्यों ताकि जिंक जो है वो रिएक्ट करे और नीचे जो प्रोटेक्टेड मेटल है वो ना उसके साथ सफर करे तो होता यह है कि अगेन जिंक इज व्हाट जिंक इज लेस रिएक्टिव देन स्टील और आयरन तो जिंक की अगर आप कोटिंग कर दोगे आयरन के ऊपर तो क्या होगा जिंक एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा अगर पानी होगा तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा हाउ एवर जो आयरन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक जिंक की लेयर है जिंक ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया अपने नीचे अपने पीछे छुपा लिया तो सराउंडिंग्स के साथ जो है जिंक रिएक्ट करता है, जिंक फाइट करता है और पीछे जो मेटल है वो सेफ रहता है नेक्स्ट में स्टार्टिंग टेक्निक जो कि है इन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन तो अब हम जिस टेक्निक की बात करेंगे वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल अ लेस रिएक्टिव वन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में उल्टा होता है बजाय इसके कि कम रिएक्टिव मेटल की लेयर ऊपर लगाई जाए ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसको लगा दिया जाता है उसको आगे किया जाता है क्यों ताकि वो जो है जल्दी से रिएक्ट कर ले और पीछे जो मेटल है वो सेफ रहे अब सैक्रिफिशियल जो वर्ड है वो क्या होता है सैक्रीफाइस यानी कुर्बानी सैक्रीफाइस होता है कि आप खुद कोई चीज दे दो ताकि किसी और को कोई चीज मिल जाए तो यहाँ पर यही हो रहा है कि एक जो बहुत रियक्टिव मेटल है उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है उसको कुर्बान किया जा रहा है ताकि जो पीछे मेटल है वो प्रोटेक्टेड रह सके इसकी एग्जाम्पल क्या है मैग्नीशियम फॉर स्टील स्पेशली इन द हल्स ऑफ शिप बिकॉज दे करोड फर्स्ट तो शिप्स की जो बॉडी होती है उनमें एक हल होती है ठीक है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड इट्स गोइंग टू द बैक अब वो जो है यूजली वो आयरन से बनी होती है स्टील से बनी होती है ज्यादा रिएक्टिव मेटल से बनी होती है हल को क्या किया जाता है हल के ऊपर मैग्नीशियम प्लेस की जाती है क्यों क्योंकि ऑब्वियसली शिप ने कहा रहने पानी के अंदर तो पानी के साथ वो रिएक्ट करेगी अब क्योंकि हल जो है वो मैग्नीशियम की है तो क्या होगा मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करना शुरू कर देगा और जो आयरन है जो स्टील की बॉडी है शिप की वो सेफ रहेगी तो सेक्रिफिशियल मेटल यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम हो गया क्योंकि मैग्नीशियम खुद रिएक्ट कर रहे हैं और स्टील को प्रोटेक्ट कर रहे और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा पूरा करोड हो जाएगा जल्दी से नया मैग्नीशियम जो है उसकी जगह पे प्लेस कर दिया जाएगा ताकि आयरन तक पानी की रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही ना हो जब तक ज्यादा रिएक्टिव मेटल वहाँ प्रेजेंट होगा तब तक वही पानी के साथ रिएक्ट करता रहेगा सो दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स किस चीज के लिए इस चीज़ के लिए कि करोजन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके और मेटल्स को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके क्यों क्योंकि मेटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव और हम नहीं चाहते कि वो फॉरेन करोड कर जाए फॉरेन डैमेज हो जाए फिर इस्तेमाल के काबिल ना रहें तो आज का जो लेक्चर था वो इसी बारे में था करोजन क्या होती है किसी मेटल को डैमेज करना जब वो किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उसको प्रोटेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेंट यूज करके ग्रीस यूज करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ये कुछ टेक्निक्स हो गई हैं। अगले लेक्चर में हम क्रोशन के बारे में थोड़ी और डिटेल में एक अलग एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड की प्रोवाइजिंग दिस यूनिट